Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss the most important MCQs which is mostly asked in pharmacist and GPIT type of examination. So let's start. इसके अंदर अपन बात करेंगे कुछ MCQs की. सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि ना आप सॉल्व करें, फिर मैं इसके आंसर हैं जो कि रीजन के साथ डिस्क्लोज करूंगी. सबसे पहले क्वेश्चन है, कैनाबिस इंडियन हैम्प प्लांट रेजिन मैटर नोन एज, यानी कि जो कैनाबिस प्लांट है जिसे इंडियन हैम्प भी कहते हैं, यानी कि उसका जो रेजिनियस पार्ट है उसे क्या कहते हैं. तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में पढ़ाया था कि जो कैनाबिस है उसके तीन तरीके से सिस्टम को डिवाइड किया गया है. एक है भांग, दूसरा है चरस, तीसरा है गांजा. भांग बेसिकली जो कैनाबिस की लीफ है उन्हें कहते हैं, जो गांजा है जो फ्लावरिंग टॉप्स या फिर जो फ्रूटिंग पार्ट है वो है, और जो रेजिनियस पार्ट है उसे अपन कहते हैं हैश या फिर चरस. तो अगर ऑप्शंस देखें, ए भांग, बी ओपियम, सी कोडीन एंड डी चरस, तो ऑब्वियस इसका आंसर होगा डी चरस या फिर हैश. सेकंड क्वेश्चन इज, द कल्टीवेशन ऑफ कैनाबिस प्लांट इज अ कंट्रोल्ड ऑपरेशन ऑफ डैश गवर्नमेंट एज पर द नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एज, यानी कि जो कल्टीवेशन ऑफ कैनाबिस है जो किस के थ्रू है, जो कि कंट्रोल किया जाता है, कौन गवर्नमेंट है जो कि इसे कंट्रोल करती है. ऑप्शंस है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बोथ एंड डी इज नन. ऑब्वियस आंसर इसका रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द सेक्शन 8. सारा का सारा जो कंट्रोल प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशंस है जो नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, उसके अंडर है जो कि स्टेट गवर्नमेंट वर्क करती है. तो आंसर इज ए. इज द आंसर चरस इज द रेजिनियस पार्ट ऑफ कैनाबिस एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल द कल्टीवेशन ऑफ कैनाबिस प्लांट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एनडीपीएस कंसल्टेटिव कमिटी कंसिस्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ, यानी कि जो कमिटी है उसके अंदर मैक्सिमम कितने मेंबर होते हैं. तो कमेटी के अंदर मैंने आपको बताया था किसके अंदर एक चेयरमैन रहता है और 20 मेंबर्स रहते हैं. ऑप्शन है 15, 10, 25 एंड 20. तो जो मेंबर्स हैं वो थे नॉट मोर देन 20, तो ऑब्वियस इसका आंसर रहेगा 20. क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट प्रोवाइड लाइसेंसिंग सिस्टम रेगुलेट डैश ऑफ नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, यानी कि जो नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट है जो लाइसेंस प्रोवाइड कर रहा है वो किस लिए प्रोवाइड करता है, यानी कि आपको क्या करना है नार्कोटिक सब्सटेंस के अंदर जिसके कारण अपने को लाइसेंस लेना पड़ेगा. ऑप्शंस हैं मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, कल्टीवेशन करने के लिए लाइसेंस लेना है, अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो आपको लाइसेंस लेना है, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव. तो ऑब्वियस है अगर आप चाहो कल्टीवेट कर लो, मैन्युफैक्चर कर लो, ट्रांसपोर्ट कर लो, इंपोर्ट कर लो, एक्सपोर्ट कर लो, कंज्यूम कर लो, आपको सबके लिए है जो लाइसेंस चाहिएगा. तो आंसर इसका रहेगा डी ऑल ऑफ द अबव. आंसर 20 मेंबर्स इन कमिटी एंड कल्टीवेशन मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑल ऑफ दिस आर नीड टू बी अंडर लाइसेंस्ड. क्वेश्चन इज, एक्सट्रैक्ट और टिंचर ऑफ कैनाबिस इज कॉल्ड, यानी कि जो एक्सट्रैक्ट या टिंचर है कैनाबिस का उसे अपन क्या कहते हैं. ऑप्शंस हैं मेडिसिनल ओपियम, मेडिसिनल हैम्प, मेडिसिनल कैनाबिस एंड डी बोथ बी एंड सी. तो अगर आप ओपियम की बात करें तो ओपियम है जो कि पेपर सोमनीफेरम प्लांट से मिलता है, वाइल जो हैम्प है दिस इज कैनाबिस, यानी कि कैनाबिस को इंडियन हैम्प भी कहते हैं. तो ऑब्वियस है अगर एक्सट्रैक्ट की बात कर रहे हैं यानी कि इसका कोई मेडिसिनल पर्पज आप यूज कर रहे हैं, तो मेडिसिनल हैम्प एंड मेडिसिनल कैनाबिस इज राइट आंसर. तो आंसर इज डी बोथ बी एंड सी. क्वेश्चन नंबर सिक्स इज, अंडर द प्रोविजन ऑफ एनडीपीएस एक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट मे अपॉइंट, यानी कि अगर एनडीपीएस एक्ट की बात कर रहे हैं तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है इन चीजों को रेगुलेट करने के लिए उसे क्या कहते हैं. ऑप्शन है ड्रग कंट्रोल ऑफिसर, ड्रग इंस्पेक्टर, नार्कोटिक कमिश्नर एंड पुलिस कमिश्नर. तो ऑब्वियस है जो नार्कोटिक कमिश्नर है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट किया जाता है नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट के अंदर इन चीजों को रेगुलेट करने के लिए. तो आंसर रहेगा इसका सी नार्कोटिक कमिश्नर. आंसर बोथ बी एंड सी आर टिंचर्स ऑफ कैनाबिस, इंडियन हैम्प एंड सॉरी मेडिसिनल हैम्प एंड मेडिसिनल कैनाबिस, एंड वाइल नार्कोटिक कमिश्नर अपॉइंटेड अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पेपेवर सोमनीफेरम ईल्स, यानी कि जो पेपेवर सोमनीफेरम है वो क्या बनाता है. ऑप्शन की अगर अपन बात करें तो ओपियम, मॉर्फिन, ओपियम, मेडिसिनल ओपियम, मॉर्फिन, ऑल ऑफ द दीज. यानी कि अगर पेपरवर्म सोमनीफेरम की अगर मैं बात करूं तो ये एक तरीके का बायोलॉजिकल सोर्स है ओपियम का, तो इससे अपन क्या बना सकते हैं. ऑप्शन है ओपियम, मॉर्फिन, मेडिसिनल ओपियम एंड ऑल ऑफ द दिस. तो ऑब्वियस है ओपियम तो बनेगा ही, आप मॉर्फिन भी आइसोलेट कर सकते हो, आप मेडिसिनल ओपियम भी बना सकते हो. तो आंसर इसका हो जाएगा डी ऑल ऑफ द अबव. एट क्वेश्चन इज, द ओपियम एक्ट वाज पास्ड इन, यानी कि जो ओपियम एक्ट है, दी ओपियम एक्ट, वो कब पास किया गया.
तो अगर अपन बात करें तो ओपीएम एक्ट, डी ओपीएम एक्ट करके आए थे, तो जो ओपीएम एक्ट है वो आया था 1857 में, वाइल द ओपीएम एक्ट पास हुआ था 1878 के अंदर। तो इसका आंसर रहेगा ए 1878, 1930 में द डेंजरस एक्ट पास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्प्राइजेस ऑफ द फ्लावरिंग टॉप ऑफ द प्लांट, यानी कि इनमें से कौन सा है जो कि फ्लावरिंग टॉप ऑफ प्लांट का पार्ट है। ऑप्शंस की अगर बात करें, गांजा, चरस, कोकेन एंड डी नन। तो ऑब्वियस है जो गांजा है जो कि कैनाबिस का एक सोर्स, कैनाबिस जिसका एक सोर्स है, जो कि एक फ्लावरिंग पार्ट्स या फिर फ्रूट्स हैं, दिस इज नोन एज गांजा। ऑप्शन रहेगा इसका ए। हियर द आंसर, ऑल ऑफ द अबव यील्ड्स बाय पेपर सोमनीफेरम 1878 द ओपियम एक्ट वॉज पास्ड एंड गांजा इज द फ्लावरिंग टॉप ऑफ द प्लांट कैनाबिस। नेक्स्ट इज केमिकली कोकेन इज, यानी कि जो कोकेन है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है। ऑप्शंस की अगर बात करें, मिथाइल एस्ट्रो बेंजाइल इकोगनिन, प्रोपाइल एस्ट्रो बेंजाइल इकोगनिन, ब्यूटाइल एस्ट्रो बेंजाइल इग्नोनिन एंड नन ऑफ द अबव, यानी कि यहाँ पे है जो कि चेन को बढ़ाया जा रहा है। अगर आप याद करें, मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया था जो कोकेन है वो है मिथाइल एस्ट्रो बेंजाइल इग्नोनिन एंड सॉल्ट, तो ऑब्वियस इसका आंसर होगा ए। फिर है 11 नंबर क्वेश्चन, डाई एसिटाइल मॉर्फिन इज ऑल्सो नोन एज, यानी कि जो डाई एसिटाइल मॉर्फिन है उसका दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन है गांजा, हीरोइन, चरस एंड कोकीन। तो हीरोइन इज द राइट आंसर, हीरोइन का अनदर नेम इज डाई एसिटाइल मॉर्फिन। इज द आंसर मिथाइल एस्ट्रो बेंजाइल इगोनिन इज द कोकीन एंड हीरोइन इज ऑल्सो नोन एज डाई एसिटाइल मॉर्फिन, या फिर हीरोइन का जो केमिकल नाम है वो है डाई एसिटाइल मॉर्फिन। फिर है पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन इन रिलेशन टू पॉपी स्ट्रॉ कमर्शियल, यानी कि अगर आप पॉपी स्ट्रॉ को कमर्शियली यूज कर रहे हैं विदाउट लाइसेंस तो आपको कितना फाइन लगना चाहिए। ऑप्शंस हैं 10 to 20 years इंप्रिजमेंट सजा और 1 to 2 lakh फाइन, 6 months 10,000, 10 years 1 lakh, नन ऑफ द अबव। तो ऑब्वियस है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर कमर्शियल की मैं बात करूं तो कमर्शियल के अंदर 10 से 20 साल की सजा थी और 1 to 2 lakh रुपए का फाइन, वाइल स्मॉल क्वांटिटीज के लिए 6 महीने की सजा, 10,000 का फाइन, और इंटरमीडिएट के लिए था 10 साल की सजा और 1 lakh रुपए फाइन। तो इसका आंसर होगा ए 10 to 20 years विथ 1 to 2 lakh फाइन। फिर है 13, द नार्कोटिक्स एंड साइकोट्रॉपिक एक्ट इज कॉन्स्टिट्यूटेड इन ईयर ऑफ, यानी कि जो नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक एक्ट है वो कब है जो कि कॉन्स्टिट्यूट हुआ। ऑप्शंस की अगर बात करूं, 1948, 1940, 1985 एंड 1925। तो ऑब्वियस है जो NDPS एक्ट है यानी कि नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक ड्रग सब्सटेंस एक्ट है वो 1985 में है जो कि पास हुआ था, तो आंसर रहेगा इसका सी। द आंसर इन कमर्शियल क्वांटिटीज 10 टू 20 ईयर्स इंप्रीजमेंट एंड 1 टू 2 लाख ऑफ फाइन इन रिलेशन टू पॉपी स्ट्रॉ एंड 1985 इन विच द नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक ड्रग एक्ट वॉज पास्ड। क्वेश्चन नंबर 14 इज एज पर द नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक एक्ट द कल्टिवेशन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन ऑफ नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक ड्रग्स इज सुपरवाइज बाय, यानी कि जो नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस हैं वो किसके थ्रू सुपरवाइज होते हैं, उनका जो कल्टीवेशन है, मैन्युफैक्चरिंग है, उसका प्रोडक्शन है। ऑप्शंस की अगर बात करें तो नार्कोटिक एनालिसिस, नार्कोटिक कंसल्टेटिव, नार्कोटिक कमिश्नर एंड पुलिस कमिश्नर। तो ऑब्वियस है जो नार्कोटिक कमिश्नर है जो कि कमिटी के थ्रू अपॉइंट किया जाता है इनके लिए, वो है सारी की सारी चीजें हैं जो सुपरवाइज करता है, तो आंसर रहेगा इसका सी। नेक्स्ट इज द सेंट्रल मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स रूल इन विच ईयर, यानी कि जो सेंट्रल मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स रूल है वो किस साल आया। ऑप्शंस हैं 1962, 1989, 2001 एंड 1957। तो ये जो एक्ट है वो आया था 1962 के अंदर, आंसर रहेगा इसका ए 1962। हियर इज द आंसर, नार्कोटिक कमिश्नर इज अपॉइंटेड और सुपरवाइज ऑल द कल्टीवेशन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन ऑफ नार्कोटिक सिस्टम्स एंड 1962 इज द ईयर इन विच सेंट्रल मैन्युफैक्चर ड्रग्स रूल्स वर पास्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पनिशमेंट फॉर ऑफेंस फॉर विच नो पनिशमेंट इज प्रोवाइडेड अंडर, यानी कि उनके लिए क्या पनिशमेंट रहती है जो कि इन शेड्यूल्स के अंदर है जो कि मेंशन नहीं है। ऑप्शंस की अगर बात करें, 10 महीने की सजा, 6 महीने की सजा और फाइन, सिर्फ 6 महीने की सजा एंड नन ऑफ द अबव। तो ऑब्वियस है इसका आंसर रहेगा इंप्रिजमेंट ऑफ 6 months यानी कि 6 महीने की सजा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैनाबिस सटाइवा यील्ड्स, यानी कि जो कैनाबिस सटाइवा है वो क्या यील्ड करता है। ऑप्शंस हैं ओपियम, मॉर्फिन, कोडीन एंड हैम्प। तो ऑब्वियस है इसका आंसर रहेगा सी हैम्प, यानी कि जो अनदर नेम है कैनाबिस सटाइवा का हैम्प, वो यील्ड करता है कैनाबिस सटाइवा।
आंसर 6 month imprisonment when punishment for offence when no punishment is provided and hemp is yielded by cannabis sativa. I hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe. Thank you.